अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ सिंपल स्टाइल में मैक्रोनी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सब्जियाँ ली हैं, उनको मैंने अच्छे से वॉश करके उन्हें रख दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। शिमला मिर्च लिया, बंद गोभी लिया और गाजर लिया, उनको रख। गाजरों को मैंने फिंगर की तरह कट करके उसको बॉईल कर लिया था, क्योंकि इस सीज़न में गाजरें नहीं होती तो इसलिए ऑरेंज ऑरेंज थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बॉईल कर ली। शिमला मिर्च मैंने 3 ली थी, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके उसे कट कर लिया। बंद गोभी का एक फूल लिया था, उसको कट कर लिया। चिकन मैंने लिया था 1/2 किलो, उसको मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब मैक्रोनी बॉईल करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने लिया एक पैन में पानी हस्बे ज़रूरत, उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और इसको कवर कर दिया। जब ये पकने लग जाएगा अच्छे से, हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैंने मैक्रोनी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके कवर कर दिया। 5 मिनट बाद मैंने मैक्रोनी का कवर हटाया और उसे मैंने अच्छे से मिक्स किया और मैंने चेक किया कि हुई है या नहीं, पर अभी कसर थी इसलिए मैंने दोबारा उसे 2 मिनट के लिए ढक दिया। अब मैक्रोनी हो चुकी है, तो अब हम इसको मैंने टोकरी में निकाल के ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। अब मैंने एक कढ़ाई लिया, उसके अंदर मैंने ऐड किया 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। इसके अंदर ऑयल को फुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया चॉप करके, उसको मैंने कूटा नहीं है, आप लोगों ने भी चॉप करके लेना। और उसको बिल्कुल स्लो आँच पर करना है, अगर तेज़ आँच पर करेंगे तो ये जल्दी से ब्लैक हो जाएगा और ये जले का टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल स्लो आँच पर इसको लाइट गोल्डन करना है। हमने लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन, जो मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन को हमने इतना अच्छे से भूनना है, ये पानी छोड़ेगा, इसका पानी सारा ड्राई करना और उसे अच्छे से गाल लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसने अब पानी छोड़ दिया है, अब इसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। ड्राई हो चुके, अब इसकी भुनाई कर लेंगे 5 मिनट के लिए हम। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो चिकन आपका तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे घर के मसाले मैंने ऐड किए, बहुत ही मज़े की बनी थी, सब लोग ने बहुत तारीफ़ें की थी। आप लोग भी बनाएं और तारीफ़ें लूटें सबसे। अब ये हो चुकी हैं लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर की। अब 1 टेबलस्पून काली मिर्चें ऐड करेंगे हम इसके अंदर और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। इतना इसे भूनना है कि सारा मसाला चिकन में अच्छे से रच जाए। अभी ये हो चुका है तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। मैंने एक फुल साइज़ का लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया था, उसको मैंने वॉश करके अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। गीला गीला नहीं डालना, इसको अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, फिर डालिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कैप्सिकम, जो मैंने वॉश करके ही कट की थी, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसकी भी 2 मिनट के लिए हम भुनाई कर लेंगे अच्छे से। बहुत झटपट बन जाती है, आप लोग की बस कटिंग में टाइम लगेगा वरना फटाफट बन जाएगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजर, जो मैंने बॉईल की थी 20%, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर और इसको भी भून लेंगे। लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी और उसे अच्छे से मिक्स करके इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। अब स्लो आंच पे इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि सारी सब्जियां 50% गल जाएं। कुछ लोगों को बिल्कुल खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती, वो गली हुई खाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखी थी। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक 3 टेबलस्पून, टमाटो केचप 4 टेबलस्पून, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटो केचप नहीं है तो आप इसके अंदर शुगर भी ऐड करते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा मज़े का टेस्ट आ जाता है। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे कवर आउट कर देंगे। 5 अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया और कितनी झटपट से बन गई है, देख सकते हैं ये कितनी सॉसी लग रही है और बहुत मज़े की थी, सब ने बहुत तारीफ़ की और ना ही इतनी स्पाइसी थी,
बिल्कुल नॉर्मल थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।